हेलो बच्चों, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो अब उनको नीड है एग्जाम की प्रिपरेशन करने की। ठीक है, तो उसी की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हर चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, चाहे वो आपकी कोई भी रेफरेंस बुक है उसके क्वेश्चन हो, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन, किस टाइप में क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने चैप्टर उठाया ट्रिग्नोमेट्री। आई होप सो सबको खुशी होगी देख करके ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि दिक्कत ज्यादातर बच्चों को यहीं से आना स्टार्ट होती है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बाय क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है कि इफ साइन ए इक्वल टू 24/25 देन दी वैल्यू ऑफ कोस ए। अच्छा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखे, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए बिना ऑब्जेक्टिव में, तो आप यहाँ पे अप्रोच सीखना। ठीक है सर, अब ये नहीं सर ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, हमारे यहाँ ऑप्शन वाले नहीं आएंगे, बिना ऑप्शन वाले आएंगे, वो सब कुछ नहीं। देखो ध्यान से देखो, आपको साइन ए की वैल्यू दे रखी है 24/25, और यहाँ से आपको कोस ए की वैल्यू पूछ रहा है। किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड, वो आपसे जरूरी नहीं है साइन ए देगे कोस ए ही पूछे, वो आपसे टेन ए भी पूछ सकता है, कोट ए भी पूछ सकता है, साइक ए भी पूछ सकता है, कोस ए के भी पूछ सकता है, या फिर ए की जगह बी भी पूछ सकता है। इसका मतलब क्या है, साइन ए की वैल्यू 24/25 है, इसका मतलब ये है कि आपके पास में कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, पहली बात तो ये, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में आपको जो वैल्यू देगा, जो थीटा होता है, जो थीटा आप लेते हो, वो थीटा आपका 90 डिग्री वाला तो आप लेते नहीं हो, बचे हो एक्यूट एंगल लेते हो। अब आपकी मर्जी है कि ए एंगल कौन सा लेना है, तो आप हो सकता है कि ए एंगल ये ले लो, या फिर आप ऊपर वाला ले सकते थे। ठीक है, इट्स योर चॉइस, इन दोनों में से कोई भी एक्यूट एंगल ले लो। अब जब बाकी एंगल के बारे में बात नहीं कर रहा, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है, और मैं बी को भी 90 डिग्री मान सकता हूँ, सी को भी 90 मान सकता हूँ, बट ए को 90 नहीं मान सकता। ठीक है, अब बात आती है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आप एंगल ए को कंसिडर कर रहे हो, क्योंकि साइन ए का मतलब क्या, आप एंगल ए पे फोकस है, अगर आप एंगल ए को कंसिडर कर रहे हो, तो ये वाली साइड ए बी उसकी एडजेसेंट साइड हो जाएगी। ठीक है भाई, और ये वाली साइड बी सी उस ए के अपोजिट वाली साइड हो जाएगी, और 90 के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनस होती है, उसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। और मान लो आपने सी को कंसिडर किया होता, सी की बात होती, तो उसके अपोजिट ए बी हो जाता और बी सी उसका एडजेसेंट हो जाता। ठीक है, अब आप जानते हो, तो क्वेश्चन जब इस टाइप का आएगा, वो करना क्या है, तो जो आपको गिवन है साइन ए इक्वल टू 24/25, सबसे पहले आप लिखोगे कि साइन थीटा का मतलब क्या होता है। साइन थीटा का मतलब कुछ लोग तो याद करते हैं इसको यार, कि ये पता नहीं, मेरे को तो याद भी नहीं होता उस चीज को। ठीक है, हिंदी में अगर बात करें कोई चीज को, लाल बटे कक्का भी याद करते हैं, LA LL/KKA, मतलब कि परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका बेस, और परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस और बेस, तो सब लोग याद करते हैं। साइन का मतलब पी बाई एच होता है, कोस का मतलब बी बाई एच होता है, ये चक्कर छोड़ो, आप सिंपल याद रखो इस चीज को कि साइन का मतलब होता है अपोजिट साइड उस ए के, या कोई भी थीटा है, डिवाइड बाय उसका हाइपोटेन्यूस। अपोजिट साइड ही क्या होती है आपकी, एक तरह से परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और बेस को बोलते हैं एडजेसेंट। तो आपको एक तरह से साइन ए, यानी इस डायग्राम में अपोजिट की वैल्यू दे रखी है 24, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दे रखी है 25। अब आपको करना क्या है, जो जो वैल्यू पता है उसको मेंशन कर दो। तो आपको अपोजिट की वैल्यू 24 दे रखी है और हाइपोटेनस की वैल्यू 25 दे रखी है, आपका सबसे पहला काम होगा अब कि बची हुई तीसरी साइड निकालना। यानी ये उस टाइप का क्वेश्चन है जिसमें आपको दो वैल्यू पता होंगी ट्राइंगल की, दो साइड पता होगी, अब तीसरी साइड निकालनी है। और राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड का रिलेशन किससे निकलता है, आपका पाइथागोरस थ्योरम से। तो आप बोल सकते हो कि इस एडजेसेंट, यानी जिसको आप बेस भी बोलते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अपोजिट जिसको आप परपेंडिकुलर भी बोलते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइपोटेनस को तो हाइपोटेनियस ही बोलते हैं। ठीक है जी, तो आप लिख सकते हो इससे कि भैया ये जो आपका ए बी का स्क्वायर होगा प्लस में आपका जो बी सी का स्क्वायर है, वो इक्वल है ए सी के स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम से लग गया। ठीक है, यानी कि आपका जो ए बी का स्क्वायर होगा प्लस बी सी का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 के स्क्वायर के इक्वल है। यहां से अगर मुझे ए बी का स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, और 24 का स्क्वायर होता है 576। 576 इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा 576, जो कि होता है 49। ए बी का स्क्वायर 49, तो ए बी की वैल्यू हो गई आपकी 7। अब आपको इसकी वैल्यू पता लग गई 7, अब आपकी जो इच्छा है वो निकाल दो। आप यहाँ से कोस ए, टेन ए, सेक ए, कोस ए के, कोट ए निकाल सकते हो। आप एंगल सी के लिए भी सारी चीज 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हो। तो आपसे क्या पूछा है इसने, इसने पूछा है कोस ए, कोस का मतलब होता है आपकी एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूस।
ए एंगल के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है? तो ए एंगल के लिए एडजेसेंट साइड है आपकी 7, तो 7 अपॉन हाइपोटेनस 25। और मान लो फॉर एग्जांपल आपसे कोस सी पूछा होता, तो कोस सी का फॉर्मूला तो वही होता है कि भैया एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। बट सी एंगल के लिए ध्यान से देखो, अगर आप इसकी बात करते हो, आपने इसको सी माना हुआ है, ये ए है ये बी है, सी एंगल के लिए एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब सी का पड़ोसी, पड़ोसी साइड ये है, तो ये एडजेसेंट होगी उसकी और ये हाइपोटेन्यूस रहेगी रहेगी, और ये हो जाएगा उसकी अपोजिट। तो मुझे चाहिए एडजेसेंट सी एंगल के लिए। सी के लिए एडजेसेंट कितनी वैल्यू दे रखी है मुझे? 24 दे रखी है बीसी की वैल्यू, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाता है आपका 24/25। आई होप से चीजें क्लियर होंगी आपके, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 7/25। बेसिक बेसिक मैंने कवर कर दिया है। इफ टेन ए इक्वल टू 4/3, अब तो अप्रोच आपको समझ में आ गई है, यानी टेन ए अगर आपको 4/3 दे रखा है, मतलब कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए एक एक्यूट एंगल है, आप चाहो ऊपर वाला मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मान लेते हैं बी है, मान लेते हैं सी है, ठीक है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई भी मान सकते हो आप, लेकिन ए को एक्यूट लेना है इन दोनों में से कोई भी। अब आप जानते हो आपको टेन ए की वैल्यू दे रखी है, टेन ए इक्वल टू आपको 4/3 दिया, और हमें पता है टेन का मतलब होता है आपका अपोजिट साइड कोण में एडजेसेंट साइड, जिसको आप लोग याद रखते हो अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट मतलब बेस, ठीक है। तो इस डायग्राम में एंगल ए के लिए अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर मतलब क्या है? ये वाली साइड है बीसी। इस बीसी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 4। एडजेसेंट साइड या बेस की वैल्यू आपको दे रखी है 3। आपको टास्क क्या है? हाइपोटेनस निकालना। तो हाइपोटेनस हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 25 का रूट आएगा 5, तो ये साइड निकलेगी आपकी 5। अब आपको ट्राइंगल के तीनों साइड पता है, आपको जो मर्जी रेशियो निकाल लो, आप एंगल ए के लिए भी सारे सारे रेशियो निकाल सकते हो, आप एंगल सी के लिए सारे सारे रेशियो निकाल सकते हो। तो हमसे पूछा है कोस ए मतलब इस के लिए कोस ए का मतलब, कोस का मतलब होता है आपकी एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ठीक है। एडजेसेंट क्या है? तो एंगल ए का पड़ोसी कौन सी है? तो ये साइड एडजेसेंट है ए के लिए और सी के लिए, ये एडजेसेंट हो जाती है, ठीक है। तो एडजेसेंट की वैल्यू आपकी 3, हाइपोटेन्यूज वैल्यू 5, तो आंसर आएगा आपका 3/5। क्लियर है? अब इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है आपको दे रखा है, ठीक है जी। अभी मैं मेंशन नहीं कर सकता, राइट एंगल डेट बी यानी बी के ऊपर 90 डिग्री है। अब ए और सी आपकी जो इच्छा ले लो, मान लो इस बार मैं ए ऊपर ले रहा हूँ, सी नीचे ले रहा हूँ, ठीक है। अब ए बी मुझे 5 दे रखा है, 5 मेंशन करो। एंगल ए सी बी मुझे 30 डिग्री दे रखा है, ए सी बी मुझे 30 डिग्री दे रखा है, ये रहा मेरा 30 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड बी सी, मुझे बी सी की लेंथ बतानी है। ये उस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसमें अप्रोच क्या लगेगी। अब आप देखो आपको पता क्या क्या है, मुझे भैया ये पता है ये 5 सेंटीमीटर है, ये 30 डिग्री है, और ये तो जो एंगल आपको पता है ना उसको कंसिडर करो। चलो मैंने सी को कंसिडर कर लिया, इस सी के रिगार्डिंग मुझे इसकी एक तो एडजेसेंट साइड पता है मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी एडजेसेंट साइड की आप क्या कर रहे हो? बात कर रहे हो, ठीक है। तो एक तो एडजेसेंट साइड की बात कर रहे हो और एक अपोजिट इसकी दे रखी है, तो आपको इन तीनों में एक रिलेशन ढूंढना है। जो एंगल आपको पता हो उस एंगल को देखो एक तो, और उसके बाद में जिस जिस साइड के बारे में बात की हुई हो, चाहे वो पता करनी हो चाहे वो दे रखी हो, उन दोनों साइड को भी मेंशन कर लो, और फिर इन तीनों में रिलेशन ढूंढ लो यार। तो अपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन क्या होता है? हाँ, टेन, जिसको आप परपेंडिकुलर और बेस बोलते हैं, वो भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, टेन का रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप लिखोगे टेन सी इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन में एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड है यानी कि ए बी और एडजेसेंट साइड है बी सी, ठीक है। अब सारी वैल्यू रख दो, टेन सी, सी का मतलब 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू 5 है, बी सी की वैल्यू नहीं पता, इक्वल टू में क्या आ जाएगा? टेन 30 का मतलब क्या होता है आपका? 1/√3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, बी सी ऊपर चला जाएगा और 5√3 ऐसे हो जाएगा, तो बी सी की वैल्यू आपकी आ रही है 5√3, ठीक है। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट भी इसी से रिलेटेड है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल डेट बी सेम चल रहा है, ए बी 5 है, ए सी भी 30 डिग्री है, आपको ए सी की लेंथ बतानी है, ठीक है। क्या अप्रोच लगेगी वो सुन लो भैया, मुझे ए सी की लेंथ बतानी है। दो तरीके हैं, क्या?
क्या तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल में ये पता लग गया 5 है और ये पता लग गया 5√3 है, चाहे तो आप पाइथागोरस लगा दो कि भैया ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, तो एक तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 5√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5√3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √3 का स्क्वायर 3, तो ये हो गया आपका 75। 75 25 ऐड करा क्या बना 100, एसी का स्क्वायर 100 है, तो एसी की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 10 निकल गई। तो ये तरीका दिया आपको निकालने का। दूसरा मेथड सुन लो, आप चाहे तो इन दोनों को रिलेट कर दो और चाहे इन दोनों को रिलेट करो, और मान लो ऐसा क्वेश्चन होता है कि फर्स्ट ये क्वेश्चन आता ही नहीं, डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा होता तब कैसे करते, तो उसके अप्रोच भी सुन लो। अगर आपसे सिर्फ डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता, ठीक है, तो राइट एंगल एट बी हो गया आपका, ये मैंने मान लिया ए, ये मैंने मान लिया सी, ये 30 डिग्री है, ये 5 है, ठीक है, इसकी वैल्यू बताओ। अब आप देखो क्या क्या पता है मुझे, ये 30 डिग्री पता है, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये मेरी अपोजिट साइड है और ये तो भैया हाइपोटेन्यूज है ही। तीन चीजें पता लगी आपको, एक एंगल दो साइड, 30 डिग्री को रिलेट कर दो इससे। यार अपोजिट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, होता है ना साइन, साइन थीटा इक्वल टू होता है आपका, क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट साइड, यानी जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं आप, अपोन में हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे थीटा किसकी बात कर रहे हो आप, साइन सी की बात कर रहे हो, तो साइन सी इक्वल टू अपोजिट क्या है इसके, सी के, ए बी, तो इसकी हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। साइन सी यानी कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी, ए बी क्या है आपका 5, और ए सी नहीं पता भाई, नहीं पता नहीं पता, ठीक है, ए सी, ओके। अब उसके बाद बात करते हैं साइन 30 का मतलब क्या हो गया, 1/2 इक्वल टू 5/ ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए सी 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2/5 से मल्टीप्लाई होगा, ए सी की वैल्यू आ गई आपकी 10। दोनों मेथड से सेम आ रही है, क्लियर है। नेक्स्ट आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो टेबल तो आप लोगों को याद होगी, नहीं है तो एक दिन फिलहाल बता दूंगा याद कैसे करनी है, ठीक है। 2 10 30, तो मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, तो मैंने इसको लिखा इक्वल टू 2। अब आपको साइड में लिख के बताना पड़ेगा कि 10 30 का मतलब होता है 1/√3, यूज करने से पहले लिख के बताना पड़ेगा साइड में, वरना नंबर कट सकते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 10 30, 10 30 का मतलब 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का मतलब होता है एक्चुअल में, जो 10 30 की वैल्यू है उसका क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। 10 30 की वैल्यू है 1/√3, इसका कर दो आप स्क्वायर, तो ऊपर तो हो गया 2/√3, नीचे हो गया 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3, ऊपर है आपका 2/√3 और नीचे आपका एलसीएम लोगे जब आप इसको, 3 बन जाए 3 प्लस 1 4 4/3 आएगा, और डिवाइड डिवाइड वाली चीज आपको पता है क्या, जैसे इसमें कुछ बच्चों कंफ्यूजन में समझा देता हूँ, एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है, यही है ना कि 2/√3 को 4/3 से डिवाइड करा, और डिवीजन तो आप लोगों ने बचपन से सीखा है, पहले नंबर को एज इट इज रखते हैं, डिवाइड को साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके दूसरे वाले को पलटी मार देते हैं, 4/3 का बन जाएगा 3/4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, √3 से कट करोगे आप इस चीज को, √3 से 3 कटेगा √3 बार। अब ये भी कुछ बच्चों कंफ्यूजन, सर कैसे कट गया, तो दोबारा सुन लो, ये आपका था 2 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में √3 इंटू 4, मैंने इसको करा 2 इंटू √3 इंटू √3, 3 का मतलब यही होता है, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, पर नीचे है √3 और है 4, इसको काटा 2 बार, एक √3 से √3 उड़ गया, आंसर बचा ऊपर का √3 और नीचे का 2। अब ये आंसर नहीं दिया आपको, ये भी चाल चलती इन्होंने, डायरेक्ट आपसे नहीं बोला कि √3/2 आंसर नहीं दिया, ये पूछा है कि इनमें से बताओ, तब सोचो √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो भैया sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका 1, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, इसके लिए आपको लिख के बताना पड़ेगा कि 10 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 1, तो ये बनेगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 10 45 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, ये मत कर देना 1 2 जा 2, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इंटू 1, ठीक है, स्क्वायर का मतलब एक चीज को सेम से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और नीचे 1 प्लस 1, तो 0/2, तो 0 तो भैया 0 रहता है, किसी से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आएगा डी, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, अपने फ्रेंड्स से शेयर भी करो, और अपन मिलते रहेंगे इस चीज को लेकर, ठीक है, आराम से प्रैक्टिस करो, कोई कंफ्यूजन आए तो आप कमेंट में लिख भी सकते हैं इस चीज को, ठीक है।